दो मिनट की बरसात और स्कूल बंद, बच्चों के स्कूल की डगमगाती यात्रा, बदलाव के दूर दूर तक कोई निशान नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है सचिन राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आज हम बात करेंगे कि कैसे जहां एक तरफ सरकार कांवड़ यात्रा पर इतना ध्यान दे रही है, तो वहीं एक खबर है मिर्ज़ापुर मनरूम स्थित मुराहा सिंह इंटर कॉलेज और प्राथमिक विद्यालय की, जहाँ बच्चे कीचड़ भरे रास्ते से स्कूल यात्रा पर जा रहे हैं। ये इनको रोज़ का काम है। रोड के ठीक न होने की वजह से बच्चों को स्कूल जाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, जहाँ प्रशासन के भाषण में सभी वर्गों का ध्यान रखा जाता है। सड़कें इतनी ख़राब हैं कि मात्र दो मिनट की बरसात में ही सड़कों पर कमल खिलने जैसे कीचड़ तैयार हो जाता है। देखिए मिर्ज़ापुर से अन्नदाता मंचक राष्ट्रीय संयोजक चौधरी रमेश सिंह जी को। मैं चौधरी रमेश सिंह संयोजक अन्नदाता मंच मनोज मिर्ज़ापुर। आप हमारे पीछे देख रहे हैं रास्ता, ये मनोज गांव का प्रमुख संपर्क मार्ग है। इसी पर ये बगल में इंटर कॉलेज है और आगे बढ़ेंगे तो प्राथमिक विद्यालय है और उसके आगे बढ़ेंगे तो आंगनबाड़ी है, फिर सुलभ शौचालय है। सारे लोग इसी मार्ग से आते जाते हैं और इस मार्ग का हालत ये है कि हल्का सा बरसात हुआ नहीं पानी भर जाएगा और उसी कीचड़ भरे रास्ते थे। सारे बच्चे स्कूल के बच्चे पढ़ने आते रहते हैं। इस सड़क के निर्माण के लिए कई बार शासन से कहा जा चुका लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। ज़िले के सारे जिम्मेदार अधिकारी, ज़िले के सभी सम्मानित प्रतिनिधिगण सभी को जानकारी है, इसके बारे में अवगत हैं सभी लोग, फिर भी यह मार्ग पता नहीं किस कारण से लोगों जिम्मेदार लोगों द्वारा उपेक्षित किया जा रहा है। इसलिए शासन से आग्रह है कि बच्चों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए अति शीघ्र इस मार्ग का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है। अब ऐसे ही कुछ हाल है कानपुर के, जहां कानपुर नगर निगम की ओर से बनी समस्याओं को लेकर कानपुर शहरवासी खासा परेशान है। वहीं आज कानपुर के कैंट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड नंबर 29 में बने सन मैक्स पब्लिक स्कूल की, जहां के बच्चे स्कूल के रास्ते में सीवर लाइन का पानी भरे रहने से खास परेशान रहते हैं और आए दिन बच्चों को चोट लगती रहती है, जो समस्या कई सालों से बनी हुई है, जिसको लेकर स्कूल के बच्चों का आज गुस्सा फूटा। अपने शिक्षकों की अगुवाई में आज सभी बच्चों ने प्रदेश सरकार और निगम के रास्ते में भरी सीवर पानी को लेकर, टूटी फूटी सड़कों को लेकर न्याय की गुहार लगाई। जब हमारे संवाददाता ग्राउंड रिपोर्ट पर गए तो उन्होंने प्रदर्शन कर रहे बच्चों, शिक्षकों और नागरिकों से बात की। अब देखिए हमारे संवाददाता कानपुर से खास रिपोर्ट। मैं इस विद्यालय की अध्यापिका हूँ और मेरे स्कूल के बच्चों को जिस तरह का आप देख सकते हैं कि कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे इस तरह से रोज अगर गंदे पानी में निकल के आएंगे, अगर कोई बीमार हो गए तो भारत सरकार क्या कर सकती है उनके लिए। मेरे किसी पर्टिकुलर किसी बंदे से, किसी से, पार्षद से या विधायक से डायरेक्ट मेरा कोई इशू नहीं है। मेरी मेन अपील है भारत सरकार से, नगर निगम से, अगर वो चाहें तो सब कुछ हो सकता है और अगर वो ना चाहें तो कुछ नहीं हो सकता। पार्षद विधायक को मैंने कंप्लेन की, उन्होंने उनसे जितना हो सका, जैसे कि उन्होंने आके कुछ खपच्ची वगैरह चलवाई जिससे कुछ समय के लिए हमें राहत मिली, लेकिन हमें कुछ समय की राहत नहीं चाहिए। ये हमारा परमानेंट स्कूल है और यहाँ रहने वाले परमानेंट हैं और बच्चे सुबह शाम आते हैं जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। कितने बच्चे तो अब तक हमारे गिर चुके हैं इस पानी में। ये जो स्थिति बनी हुई है कहाँ की है और क्या है? ये ओमपुरवा नई बस्ती की है, ये सन मैक्स पब्लिक स्कूल के सामने की गली है। यहाँ की ये स्थिति मैं 4 साल से ऐसे ही देख रही हूँ, 4 साल से मेरा स्कूल है यहाँ पे और उससे पहले की ये स्थिति आप यहाँ के रहने वाले लोगों से पता कर सकते हैं। रहमान, क्या यहाँ की स्थिति कैसी बनी हुई है? यहाँ की स्थिति ये है कि यहाँ इतनी गंदगी हो गई है, सीवर के सारे पानी बह रहे हैं और कितनी मतलब शिकायत भी किया गया मगर कोई इसको सुनने को तैयार नहीं हो रहा। सारे बच्चे गिर गिर पड़ जा रहे हैं, एक औरत का तो हाथ तक टूट गया है समझ लीजिए। समस्या है, आप लोगों को क्या समस्या होती है? हम लोग स्कूल आते तो बहुत ज़्यादा मतलब सड़क ख़राब होती है, इसलिए लोग चल भी नहीं पाते हैं और मेरी बहन गिर भी चुकी है। यहाँ पर मैम से कंप्लेंट करी थी हम लोग ने, तो मैम ने कहा था कि जल्दी से जल्द हम लोग रोड बनवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैम ने कहा था कि जल्दी से जल्द करवा दीजिए, बहुत गिर रहे हैं बच्चे सब, आने में बहुत तकलीफ़ें हो रही हैं हम लोगों को, रोड भी बहुत ख़राब है।
मेरा नाम अखलास अहमद है, मैं जाजू व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ। क्या मामला है? मामला भाई साहब आप खुद ही देख रहे हैं, ये सनमैक पब्लिक स्कूल ओमपुर नई बस्ती में लगभग 4 वर्षों से पानी भरा रहता है। नगर निगम, जल निगम, जल संस्थान, विधायक, पार्षद सभी को शिकायत कंप्लेन लिखित कंप्लेन की जा चुकी है, मगर कोई भी देखने वाला नहीं है। अब ये समझ लीजिए जिसकी पानी बहाव की वजह से, रोड जर्जर की वजह से यहाँ पे बच्चों को आने में स्कूल दिक्कत होती है, आए दिन जो है नागे होते हैं जिससे बच्चों का रूटीन खराब हो रहा है, क्षेत्रवासियों को निकलने में दिक्कतें हो रही है, मगर प्रदेश सरकार एक तरफ वादे करती है सुंदरीकरण करेंगे और स्मार्ट सिटी बनाएंगे कानपुर में, हम मुझे तो लगता है पूरे प्रदेश में कानपुर एक नंबर पर स्मार्ट सिटी बन चुका है। जाजमऊ कानपुर में जगह जगह पे गड्ढे और पानी जल भराव की समस्या रहती है, लेकिन प्रदेश सरकार होश में नहीं है। यहाँ की मेयर महोदय भारतीय जनता पार्टी के, सांसद जो है भारतीय जनता पार्टी के, आपके जो है प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार कहते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके कानपुर शहर में सुंदरीकरण किया गया है, कोई देखने वाला नहीं है, सिर्फ काम के नाम पे आश्वासन और खानापूर्ति होती है। ये बात सिर्फ बच्चों की ही नहीं बल्कि यहाँ रहने वाले लोगों की और उनके जीवन की भी है। इन सड़कों से उनका आना जाना होता है और ये जनता यही ध्यान में रखकर वोट देती है कि सरकार बनने के बाद हमें सही सड़कें मिलेंगी और हमारे बच्चों को शिक्षा। लेकिन अगर विकास के नाम पर सिर्फ लॉलीपॉप दे दिया जाता है तो फिर वोट मांगते समय ऐसे वादे करने ही क्यों। इस बार देश के बजट में बच्चों को शिक्षा के लिए लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं, तो वहीं रोड मंत्रालय को कुल 2.78 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। लेकिन क्या ही फायदा है इसे लाखों करोड़ों के बजट को देने का, जब रियलिटी में जमीनी स्तर पर कुछ देखने को ही नहीं मिल रहा है। ना ही इन बच्चों की शिक्षा में कोई सुधार होता दिख रहा है और रोड की हालत तो आप खुद ही देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे बच्चों के सामने इतनी दिक्कतें हैं, लेकिन बच्चों के मार्ग में कितनी भी बाधाएं हों, अड़चने हों, कीचड़ हो, मार्ग निर्माण के जिम्मेदार लोगों की अनदेखी के बावजूद भी बच्चे बिना किसी शिकायत के अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। शासन की जिम्मेदारी लोगों की अनदेखी के बावजूद भी कीचड़ भरे रास्तों से गिरते पड़ते फिसलते बच्चे बचते बचाते बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।